बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए है। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है, सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी
ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपके सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी, जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी, इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए है। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, शानदार कहानी है। ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है, ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी
दिल खुश कर दिया है। सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है। उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी, जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के CM हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, CM बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को CM बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला CM बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी
जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए है। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है। ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है। सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है। उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं। कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है। सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार, राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं,
फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री राणे रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी। कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए हैं। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है। ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है, सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार, राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने ना सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है।
बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है। नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए हैं। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है, सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपके सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है, तो बस यही कहेंगे अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है।
हिस्सा है बीबी और बिहार। राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी, जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए है। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है, सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी
ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपके सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी, जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी, इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए है। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है, ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है, अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है, बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी
तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है। सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है। उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं। कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है। सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के CM हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, CM बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को CM बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला CM बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए हैं।
10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है। ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है। सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है। उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं। कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है। सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार, राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं,
फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री राणे रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी। कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए हैं। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है। ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है, सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपके सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार, राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने ना सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है।
बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है। नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए हैं। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है, सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपके सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है, तो बस यही कहेंगे अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब
बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक तंत्र सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए है। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है, सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी
ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपके सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी, जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने ना सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए है। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी
काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है। सिंपल, सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है। उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं। कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है। सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार, राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने ना सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है, लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी
जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए है। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है। ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है। सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है। उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं। कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है। सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपके सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं,
फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री राणे रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी। कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए हैं। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है। ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है, सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार, राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने ना सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है।
बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है। नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए हैं। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है, सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है, तो बस यही कहेंगे अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब
बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए है। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है, सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी
ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपके सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी, जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी, इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए है। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी
तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है। सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है। उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं। कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है। सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के CM हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, CM बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को CM बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला CM बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए हैं।
10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है। ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है। सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है। उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं। कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है। सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार, राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं,
फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री राणे रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी। कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए हैं। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है। ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है। सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार, राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने ना सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है।
बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है। नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए हैं। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है, सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है, तो बस यही कहेंगे अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है।
साहेब बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी। जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने न सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी। इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए है। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है। ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है। अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है। बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी दिल खुश कर दिया है, सिंपल सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है, उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं, कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है, सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी
ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपके सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। साहेब बीबी और बिहार राजनीति के उस अध्याय को बखूबी दिखा गई हुमा कुरैशी, जाने कहा देखे महारानी वेब सीरीज को फ्री में। बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। जातीय समीकरण समझने हो, राजनीतिक पैंतरे सीखने हो या देश के असल मुद्दों पर ज्ञान चाहिए हो तो बस बिहार चले आइए, आपके ज्ञान चक्षु हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति के कई अध्याय हैं जिन्होंने ना सिर्फ बिहार को बदल कर रख दिया है बल्कि देश की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ा। ऐसा ही एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम हुआ करते थे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी सत्ता संभाली। अब कई सालों बाद महारानी की मेकर समय फिर उस दौर में ले गए हैं। कहानी लालू या राबड़ी की नहीं है लेकिन दौर जरूर वही वाला है। राजनीति भी तभी की दिखा दी गई है। बताते हैं कि कैसी है राजनीति की ये पाठशाला। कई सालों बाद बिहार में पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बना है, नाम है भीमा भारती और काम पिछड़ों को बिहार की राजनीति में सबसे ऊपर ले आना, उन्हें ऊंची जाति वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना। लेकिन राजनीति का ही खेल है कि सत्ता संभालते ही भीमा भारती पर जानलेवा हमला हो जाता है, गोली मारी जाती है, किसने मारी पता नहीं चलता, संकट काफी बड़ा है, सरकार अभी अभी बनी है, राजा ही घायल हो गया है। ऐसे में बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। पार्टी में नेता कई है, सीएम बनने के सपने भी बुनाए जा रहे हैं, लेकिन भीमा भारती का दिमाग घोड़े से भी तेज चलता है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़ पत्नी रानी भारती को सीएम बनवा देते हैं। फंडा सिंपल है, कागज पर मुख्यमंत्री रानी रहेगी लेकिन सत्ता भीमा ही चलाएंगे। इतना बड़ा दाव तो चल दिया लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही नाराज कर गए, पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई और कई नेता अपने ही राजा को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन बिहार की पहली महिला सीएम बनी रानी भारती ने भी तेवर दिखाने शुरू किए, अपने ही साहेब के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाने लगी, कभी मंत्रियों का मंत्रालय बदल दिया, किसी को भी बर्खास्त कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी, सब कुछ होता रहा और भीमा भारती एक घायल राजा की तरह बस देखते रहे। यही है महारानी की कहानी, इसमें राजनीति है, राजनीतिक दांव पेच है और सत्ता में बने रहने की एक लालसा। राजनीति पर तो कई फिल्में बनी गई है, एक बार के लिए प्रकाश झा को तो हम एक्सपर्ट भी मानने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कंटेंट तो कहीं से भी जेनरेट किया जा सकता है। महारानी सीरीज के जरिए सुभाष कपूर और करण शर्मा ने हमें बिहार की राजनीति के जबरदस्त दर्शन करवा दिए है। 10 एपिसोड खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, शानदार कहानी है, ठहराव भी ऐसा है कि हर एपिसोड के बाद आपका कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। इतना सब कुछ बेहतरीन इसलिए दिखाया पड़ा है क्योंकि महारानी की पूरी स्टार कास्ट ने आला दर्जे का काम कर दिखाया है। हुमा कुरैशी लीड में है तो उनके किरदार को भी वैसे ही भुना गया है, ठेठ बिहारी तो उन्होंने ऐसी बोली है कि आप भी एक बार के लिए भूल जाएंगे कि ये हुमा कुरैशी है, ये किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था और उन्होंने ये अपनी एक्टिंग से बखूबी साबित कर दिया। भीमा भारती के रोल में सोहम शाह ने भी गदर मचाया है, अभी पिछली फिल्म उनकी बिग बुल थी, एक्टिंग भी फीकी लगी थी और उनका किरदार भी काफी कमजोर रहा, लेकिन महारानी में उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुमा रानी थी तो ये भी राजा है, बेहतरीन अभिनय किया है और स्क्रीन प्रेजेंस भी तगड़ी लगी है। दूसरे बड़े नेता बने अमित सियाल ने भी
दिल खुश कर दिया है। सिंपल, सटीक और साधारण एक्टिंग रही है उनकी, इसी वजह से उनका नवीन बाबू वाला किरदार छा गया है। प्रमोद पाठक को भी लंबे टाइम बाद एक सॉलिड रोल मिल गया है। उन्हें मिश्रा जी का किरदार दिया गया है। ये पार्टी के महासचिव दिखाए गए हैं। कोई एक्टिंग नहीं की गई है, बस किरदार निभा गए हैं। राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी आ गए हैं और उन्होंने भी महारानी की कहानी को खूब मजबूती दी है। इस सीरीज में कई दूसरे और आला दर्जे के कलाकार हैं जिनका काम देख अब सिर्फ तारीफ करने को मजबूर रहेंगे। डायरेक्शन की बात आती है तो करण शर्मा ने तो बढ़िया काम किया ही है। सुभाष कपूर की भी तारीफ बनती है, वो तो पहले भी कई पॉलिटिकल फिल्में देखा चुके हैं। ऐसे में महारानी सीरीज में उन्होंने अपने उसी अनुभव का निचोड़ निकाल दिया है। कबीर ने दोहे से हर एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर उसकी ट्रैक पर कहानी चल पड़ती है। दिखाने का जो अंदाज है वो दर्शकों को अपनी तरफ खींचने वाला साबित हुआ है। सीरीज के डायलॉग भी एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। कई ऐसे डायलॉग है जो आपकी सीरीज खत्म होने के बाद भी याद रहने वाला है, जैसे ये वाला, आप अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं मिलूंगी, अगर सीएम में मिलना चाहूंगी तो रानी भारती से मुलाकात होगी। आप सीरीज देख डालिए, समझ जाएंगे कि ये लिस्ट भी काफी लंबी होने वाली है। तो बस यही कहेंगे, अपनी जिंदगी के 450 मिनट महारानी सीरीज को दे दीजिए। राजनीति भी समझ जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कोरोना काल में एक शानदार सीरीज भी देख लेंगे। अब बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है।